अल्लाह पाक का मौजज़ा, दाढ़ी रखने से मर्दों को क्या फायदा हासिल होता है, जाने इस रिपोर्ट में। दीन इस्लाम को दीन फितरत करार दिया गया है। इस्लाम की हकानियत रोजे रोशन की तरह आया है और जदीद उलूम खसूसन साइंस इस्लामी तर्ज जिंदगी पर मोहर साबित तस्दीक करती जा रही है। दाढ़ी सुन्नत नबवी है। दुनिया भर में मुसलमान अपने नबी करीम सल्लल्लाहु वसल्लम से मोहब्बत के इजहार के लिए इनकी इस सुन्नत की पैरवी करते नजर आते हैं, जिससे न सिर्फ इनके रौब में इजाफा होता है बल्कि इनकी मर्दाना वजाहत भी खुलकर सामने आती है। सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु वसल्लम के फवायद अब साइंस भी तस्लीम कर रही है। सिदरन क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के माहरीन ने दाढ़ी पर अपनी तहकीक में तस्लीम किया है कि दाढ़ी रखना अच्छी सेहत और वजाहत में इजाफे का बाइस भी बनती है। दाढ़ी वाले चेहरे सूरज की मुजर शुआओं से 90% महफूज रहते हैं। तहकीक के मुताबिक सूरज की इन मुजर अल्ट्रा वायलेट शुआओं की रोकथाम उम्र बढ़ने के अमल को सुस्त करने में मदद देता है, जबकि जिल्द के मुख्तलिफ मसाइल से भी तहफ्फुज़ मिलता है। माहिरीन का कहना है कि चेहरे के बाल सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआओं से तहफ्फुज़ फराहम करते हैं और ये कितने फीसद शुआओं को ब्लॉक करते हैं, इसका इन्हिसार दाढ़ी के घनेपन और सूरज के जाविये पर होता है। इससे पहले कई तिबी तहकीकी रिपोर्ट्स में ये बात सामने आ चुकी है कि दाढ़ी चेहरे को मिट्टी और पोलन से बचाने में मददगार साबित होती है, जो कि दमा या नज़ला जुकाम का बाइस बनते हैं। इस नई तहकीक में बताया गया है कि दाढ़ी के बाल नमी को बरकरार रखकर जिल्द को तरोताजा और जवान रखने में मदद देते हैं।